गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास, टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 11 एंड एक्सरसाइज 11B। ओके, 11B क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज इन कॉलम एंड ऐड। ओके, इस क्वेश्चन में हम पहले इन्हें कॉलम्स में अरेंज करेंगे, देन इन्हें ऐड करेंगे। ओके, कॉलम में अरेंज करना आता है ना, हमने पहले भी किया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27 kg एंड 58 kg। ओके, इसे कॉलम में कैसे लगाएंगे, 27 किलोग्राम लिखा हमने एंड 58 किलोग्राम, देन कॉलम में अरेंज हो गया। अब इसे ऐड कर देंगे, हमें ऐड करने को बोला गया क्वेश्चन में। तो देखिए, 7 + 8 कितना होता है, 15, 1 कैरी गया, 5 + 2 = 7, 7 + 1 = 8, आंसर इज 85 किलोग्राम, 85 kg। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसी तरह से बी पार्ट है इसका, 35 kg एंड 69 kg। सिंपली हमने इन्हें कॉलम में अरेंज किया, कॉलम्स में, और इसे ऐड कर दिया, तो आंसर आ जाएगा हमारा 104 kg। अब देखिए, सी पार्ट है ऐसे ही, यहाँ पर थोड़ा सा ये अलग है, क्योंकि यहाँ पर केजी और ग्राम हमें दोनों दे रखा है, दोनों मेंशन किए गए हैं क्वेश्चन में। 7 kg 800 ग्राम एंड 19 kg 115 ग्राम। ओके, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने लिखा 7 किलोग्राम एंड 800 ग्राम लिखा हमने, और जो 19 kg एंड 115 ग्राम है वो इसी के नीचे लिखना है हमने। लेकिन हम ध्यान रखेंगे जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, 7 kg के नीचे ही 19 kg आएगा। kg एक लाइन में रहेंगे, एक सीरीज में है, और ग्राम सारे एक तरफ। ओके, हमने यहाँ पे लिख लिया, देन इसे प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 26 kg 915 ग्राम। ओके, ऐसे ही देखिए, ये डी पार्ट दे रखा है यहाँ पर हमें, यहाँ पे 3 डिजिट को हमें ऐड करना है, 28 kg है 937 ग्राम, 38 kg एंड 65 kg 20 ग्राम। तो देखिए, सबसे पहले हमने 28 kg एंड 937 ग्राम लिखा। ओके, यहाँ पर इसके बाद देखिए 38 kg है, तो हमने 28 kg के नीचे, ठीक है, यहाँ पे kg वाले यूनिट के नीचे ही हमने kg शो करना है, ठीक है। 38 kg हमने इधर लिखा, यहाँ पे 38 kg का कुछ ग्राम हमें नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर या तो हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम 000 या फिर 0 मेंशन कर देंगे। ओके, थर्ड देखो कॉलम में 65 kg एंड 20 ग्राम, तो kg के नीचे ही हमने लिखना है 65 kg एंड 20 ग्राम। यानी देखो, सारे के सारे जो किलोग्राम्स हैं वो एक सीरीज में है, एंड ग्राम जो है वो एक सीरीज में है, देन इन तीनों को हमने कर दिया है ऐड, ठीक है। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया है, 131 kg एंड 957 ग्राम। ओके, इसी तरह से देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है ई पार्ट, 79 kg एंड 205 ग्राम, 115 kg एंड 264 ग्राम, 300 kg एंड 420 ग्राम, ठीक है। सबसे पहले हमने लिख लिया फर्स्ट कॉलम में 79 kg एंड 205 ग्राम, फिर ये जो 115 और 264 ग्राम है, इसको हम देखिए केजी के नीचे हमने सारे केजी लगाए हैं, और ग्राम के नीचे हमें एक सीरीज में ग्राम को मेंशन किया है, ठीक है। देन तीनों को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद हमारा आंसर क्या है यहाँ पर, 494 किलोग्राम एंड 889 ग्राम। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में बस आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, किलोग्राम जो है वो एक लाइन में रहेंगे, ग्राम जो है एक लाइन में रहेंगे, अगर आप इन्हें शफल कर देंगे, मिक्स कर देंगे, तो आपका आंसर सही नहीं होगा। ओके, अभी मैंने आपको सारे ABCDE पार्ट कराए हैं, F पार्ट जो है आप इसे होमवर्क में करेंगे, खुद करेंगे अपनी मैथ्स की नोटबुक में। एंड ये देखिए बच्चे, इसी के साथ आपका एक्सरसाइज जो 11C का जो क्वेश्चन 1 है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपका होमवर्क है। ये सभी बच्चे इसे बुक में ही करेंगे, इसे कॉपी में नहीं करना, सिंपल सब्ट्रैक्शन है ये, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सारे कोई कैरी वाले क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। सिंपली आपको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें कहीं से बोरो भी नहीं करना है हमने, ठीक है, सिंपल सब्ट्रैक्शन है, ये सभी आप अपनी बुक में ही करेंगे। 11C है क्वेश्चन नंबर 1, ओके, एंड पेज नंबर है 151। अब इसी का हम देखिए बी पार्ट, जो सेकंड क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट करना है हमें इसमें, ये मैं आपको अभी कराऊंगी, 17 किलोग्राम फ्रॉम 39 किलोग्राम, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। हमने बहुत बार ऐसे क्वेश्चन करे हैं फ्रॉम वाले, आपको पता है जब हम फ्रॉम वाले क्वेश्चंस करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो फ्रॉम के बाद वाला नंबर जो है वो ग्रेटर होता है, बड़ा होता है, उसे हम पहले लिखते हैं, ठीक है। एंड 17 के जी जो है वो छोटा नंबर है।
क्योंकि हमें बोला है 17 केजी फ्रॉम 39 केजी, यानी कि 39 केजी में से हमें 17 केजी को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए हमने रखा पहले 39 केजी, देन माइनस किया 17 केजी। सिंपल सब्ट्रैक्शन है, देखो 9 में से 2 हमने सब्ट्रैक्ट किया, 2 बचा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 बचा, आंसर इज 22 किलोग्राम, 22 केजी। अब ऐसे ही देखो 54 केजी 200 ग्राम फ्रॉम 67 केजी एंड 815 ग्राम, ठीक है। अब फ्रॉम के बाद वाला नंबर हम पहले रखेंगे, देन हमने रखा 54 केजी एंड 200 ग्राम, सिंपली सब्ट्रैक्ट किया, 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 5, 1 में से 0 1, 8 और में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 6, तो यहाँ पे आंसर आया 615 ग्राम। यहाँ पे देखिए 7 में से 4 गया 3, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 1, तो यहाँ पे आ गया 13 केजी। ओके, सिंपली सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। सी पार्ट देखिए, 225 ग्राम फ्रॉम 2 केजी 726 ग्राम, ठीक है। फ्रॉम वाले के बाद वाला नंबर जो है पहले रखा हमने 2 केजी एंड 726 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमें क्या माइनस करना है, सिंपली 225 ग्राम, यहाँ पे केजी या किलोग्राम मेंशन नहीं है, उसे हम ब्लैंक छोड़ देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे या फिर जीरो लगा देंगे, या फिर यहाँ पे जीरो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंपली हमने सब्ट्रैक्ट किया, ग्राम के नीचे हम ग्राम मेंशन किया, माइनस किया, 6 में से 5 किया 1, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 0, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 5, देन 2 का 2 यहाँ पे एज इट इज शो हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आएगा हमारा 2 केजी 501 ग्राम। लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का एंड इस चैप्टर का, 78 किलोग्राम 526 ग्राम फ्रॉम 190 केजी 787 ग्राम, ठीक है। हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपली हमने फ्रॉम के बाद वाला नंबर जो हमारा बिगर होता है हम पहले रखेंगे, देन हमने मेंशन किया 78 केजी एंड 526 ग्राम, सिंपली हमने सब्ट्रैक्ट किया, 7 में से 6 देखो सब्ट्रैक्ट किया 1 बचा, 8 से 2 सब्ट्रैक्ट किया 6, 7 में 5 प्लस किया 2। अब यहाँ देखो 0 में 8 जो है सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें बोरो करना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा, तो हमने 9 से इधर 1 कैरी लिया, तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 8, ठीक है। अब ये नया क्वेश्चन बना, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 2, 8 में से 7 1 एंड 1 का 1 एज इट इज शो हो जाएगा, तो आंसर आएगा 712 किलोग्राम एंड 261 ग्राम। ये चारों क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में करेंगे मैथ्स की, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड ये है 11B का क्वेश्चन नंबर 2, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन इसे अपनी नोटबुक में आपको करना है।